Assalamu alaikum friends and welcome in episode number 25 of Basic Mathematics. पिछली वीडियो में हमने इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, मगर हमने सबसे आसान तरीन रास्ते से सॉल्व किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आप किसी भी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट हासिल कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में से, और हमने पिछली वीडियो में इस y का सब्स्टिट्यूट हासिल किया था क्योंकि सबसे आसान रास्ता यही था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस बार हम आसान रास्ते पर नहीं जा रहे, बल्कि हम सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे यहां पर, बगैर इस सोच के कि हमारा सवाल कैसे शॉर्ट होगा, कैसे आसान होगा। क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हमारे लिए फिर आसान रास्ता और मुश्किल रास्ता कुछ नहीं होता, सभी आसान होता और हम बहुत आसानी से जवाब लाना जानते हैं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि हम इस एक्स का सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, और हमें याद है कि पिछली वीडियो में जब हम जवाब लेकर आए थे तो x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 4 आई थी, यानी कि हमें ये मालूम हुआ था कि ये इक्वेशंस जिन दो लाइंस की हैं उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ मीटिंग 2, 4 है, यानी कि x कंपोनेंट 2 एंड y कंपोनेंट 4। तो इक्वेशन 2 पर हम वर्किंग कर रहे हैं और इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, x का सब्स्टिट्यूट मालूम करेंगे, और हमारी मर्जी है, हम चाहे तो y का भी सब्स्टिट्यूट मालूम कर सकते हैं। x का सब्स्टिट्यूट मालूम करने के लिए सबसे पहले तो 2y जो यहां माइनस में है वहां पे जाके प्लस में हो जाएगा, एंड देन ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके डिवाइड करेगा। तो हमें पता चल गया कि x का सब्स्टिट्यूट -2 पॉजिटिव 2y ओवर 3 है, और अब यकीनन क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 से हासिल किया है, इसलिए हम इसको उठाकर अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस बात को तफसील से डिस्कस किया था। इक्वेशन 1 बिकम्स, और आप चाहे तो लिख लीजिएगा, पिछली वीडियो में वर्डिंग्स मैंने आपके सामने लिख दी थी कि वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम इस x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में जहां x है वहां पर -2 पॉजिटिव 2y ओवर 3 आ जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 ही रहेगा, जबकि ऊपर 5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, 5 जब पॉजिटिव 2y से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव मेक्स पॉजिटिव, 5 टू 10, ये 10y हो जाएगा ओवर 3 एज इट इज प्लस y इक्वल्स टू 14 एज इट इज। अब यहां पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रही है। अगर कोई एक भी फ्रैक्शन किसी वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हमें वहां पर एलसीएम लेना पड़ता है, और आप जानते हैं कि हम एलसीएम हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो यहां y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और आप जानते हैं कि 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं इस पर हम बहुत तफसील से पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो आप जानते हैं 3 1 3 होता है, और जो भी रिजल्ट होता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। यहां रिजल्ट 1 है, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा -10 प्लस 10y से, तो यकीनन -10 प्लस 10y एज इट इज आ जाएगा। प्लस साइन के बाद इस फ्रैक्शन की बारी, यहां डिनोमिनेटर में 1 था, 1 का टेबल पढ़िए कि 3 आ जाए, और आप जानते हैं 1 3 जा 3 होता है, 3 को ऊपर वाली वैल्यू y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 3y इक्वल्स टू 14 एज इट इज। अब यहां पर अगर आप देखें तो y वाली दो टर्म्स हैं, एक y के साथ कोएफिशिएंट है प्लस 10 और दूसरे y के साथ कोएफिशिएंट है प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 13। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने शिफ्टिंग रूल्स को बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि इस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर y के साथ -10 है, पॉजिटिव 13 है, डिवाइड बाई 3 है, सबसे पहले यहां से वहां 3 को शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि 3 सिर्फ
डिवाइड कर रहा है थ्री का और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई वास्ता यहाँ नहीं, थ्री यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस टेन प्लस थर्टीन वाई एज इट इज 14 इंटू थ्री, 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 42, नेगेटिव 10 प्लस 13y इक्वल्स टू 42। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बारी बारी 10 और 13 को भी वहां लेके जाएंगे, तो सबसे पहले 10 को वहां लेके जाएंगे, 10 जो है माइनस में है वहां पे जाके प्लस में हो जाएगा, 42 प्लस 10 52 हो जाएगा। अब तक हम 13y को एज इट इज लिखते रहे, फाइनली 13 जो यहां y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 52 को डिवाइड करेगा और हमारे पास y की वैल्यू 13 13 13 4 52 4 आ गई। तो इस बार हमने सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से किया, मगर आपने देखा कि हमारे पास y की वही वैल्यू आई जो पिछले एपिसोड में हमारे पास आई थी, यानी कि 4। यानी कि आप जो तरीका अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो जवाब हर हाल में सही आएगा। अब x की वैल्यू लाने के लिए हम इस y की वैल्यू को उठा के चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, या चाहे तो इक्वेशन 3 में पुट करें, ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर अस। तो यहां पर हम इस y की वैल्यू 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, अब मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूं, मगर y की जगह मैं y की वैल्यू 4 लिख दूंगा। अब आप जानते हैं DMAS रूल के मुताबिक यहां पहले 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2 माइनस होगा, तो आप जानते हैं 2 4 8 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, और 3 और 6 ये दोनों जब कैंसिल होंगे 3 1 3 3 2 6, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। एक बार फिर हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका 2 4। पहले x की वैल्यू लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, 2 4 हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मगर इस बार हम मेथड ही तब्दील कर रहे हैं। अब तक हमने इसको सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको सॉल्व करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से। उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।